नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ऑटो गेजेस प्राइम में। आशा करता हूँ आपको हमारे कल के वीडियो और गेम प्ले साथ ही साथ आने वाले वीडियो भी पसंद आएंगे। अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ घंटे को दबाना ना भूलिएगा, प्लस लाइक बटन भी दबाना ना भूलिएगा। जैसा आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज लेके आते हैं डेली डोज, और कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर और ज्यादा से ज्यादा न्यूज हम आपको पहुंचा सके। तो आज भी आपके लिए ऐसे ही कुछ डेली डोज लेके आए, आशा करेंगे आपको ये पसंद आएगी। चलिए दोस्तों, पता लगाते हैं आज के डेली डोज के बारे में, और आशा करता हूँ आपको कल का डेली डोज साथ ही साथ गेम प्ले अच्छा लगा होगा। अगर आप देखना भूल गए या मिस कर गए तो नीचे जाइए, हमने लिंक प्रोवाइड कर रखी है, देखिए और बताइए कैसा लगा। यहाँ पे बात करें आज के सबसे पहले डेली डोज की, तो ये आ रही है एप्पल एयरपोर्ट्स 2 की तरफ से। यहाँ पर आप जानते ये आने वाला है, परंतु कन्फर्म नहीं है कब तक देखने मिलेगा। अब उससे पहले हमारे मिल चुकी है एक नई लीक जो कहती है कि यहाँ आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ 5.0, हेल्थ सेंसर और नॉइस कैंसिलेशन भी यहाँ देखने मिलेगा। यहाँ पर हेल्थ सेंसर की बात हो रही है, तो अब देखना होगा किस प्रकार से ये वर्क करता है और क्या मदद करेगा ये हमारे को हमारी हेल्थ को और अच्छा बनाने में। तो वेट करते हैं, आने वाले टाइम में मालूम पड़ ही जाएगा। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आप परचेस करना चाहेंगे इसे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो ये आ रही है पैनासोनिक की तरफ से, और ये बोल रहे हैं कि हम लेके आने वाले 2019 तक असिस्ट रोबोट, वो भी इंडिया के अंदर। जी हाँ, असिस्ट रोबोट यानी आपका सहयोग करने वाला रोबोट। अब देखते हैं किस प्रकार से आता है और कहाँ कहाँ ये हमारे को देखने को मिलता है। वेट करते हैं, आने वाले टाइम में न्यूज मिली जाएगी। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इस असिस्ट रोबोट के बारे में, यानी आप रेडी हैं इसको यूटिलाइज करने के लिए, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये गूगल पिक्सल 3 और 3 XL, और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आने वाला एक नया अपडेट जिसके तहत आपका जो मेमोरी मैनेजमेंट इशू है उसे फिक्स कर दिया गया है। जी आप अगर हाल ही में आपने भी ऐसे अगर इशू फेस की होगी, तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बार बार ऐप क्रैश हो रहे हैं और आप मोबाइल को सही तरीके से यूटिलाइज नहीं ले पा रहे हैं। तो बोला जा रहा है ये अपडेट इसे सॉल्व कर देगा और ऐसी अब दिक्कत आपको देखने को नहीं मिलेगी। बात होती है कब तक ये हमारे को मिल जाएगा, तो यहाँ पे अभी कुछ कन्फर्म नहीं है। बोला जा रहा है दिसंबर तक हो सकता है कि ये आपको अपडेट मिल जाए। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है और कब तक ये हमारे को देखने मिलता है। परंतु आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, और क्या आपने भी ऐसे इश्यू हाल ही में फेस किए, तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये सैमसंग की तरफ से, और अगर आप फॉलो करते हैं सैमसंग को ट्विटर, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया पे, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि इन्होंने हाल ही में अपनी डीपी चेंज की थी और फोल्डेबल वाली सैमसंग का लोगो लगाया था, जिससे लोगों को कन्फर्म हो गया था कि आपको मिलने वाला है फोल्डेबल डिवाइस। अब यहाँ पर आज सुबह इन्होंने वापस अपना नॉर्मल लोगो लगाया, अब देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बोला जा रहा है कि 7 नवंबर को ये फोल्डेबल डिवाइस हो सकता है लॉन्च। तो वेट करते हैं, आने वाले टाइम में न्यूज मिल ही जाएगी, और 7 तारीख तो कल ही है तो मालूम तो पड़ ही जाएगा। तो आप बताइए क्या सोचते हैं फोल्डेबल डिवाइस के बारे में, और क्या आप इसे यूटिलाइज करना पसंद करेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये फोर्टनाइट की तरफ से, और यहाँ पे आने वाला एक नया स्किन जो कि है NFL स्पोर्ट्स का। जी हाँ, यहाँ पर ये आपको जल्दी देखने मिल जाएगा और यहाँ पर आप इसे परचेस कर सकेंगे और ओवरऑल इसका मजा उठा सकेंगे। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए स्किन के बारे में, और क्या आप भी इंटरेस्टेड हैं इसे परचेस करने में, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये क्रोम से, और यहाँ आने वाला वर्जन 71 यानी नेक्स्ट मंथ में आपको अपडेट देखने मिल जाएगा, जिसके तहत यहाँ पे जो वेबसाइट शो करती है एब्यूसिव एड्स को, तो वो एड ब्लॉक के द्वारा यहाँ पे एंटायरली ब्लॉक हो जाएगी और ये एड्स आपको अब देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि एक लाजवाब चीज है। और यहाँ पे और इंप्रूवमेंट्स भी बोले जाने की 71 वेरियंट में आपको देखने को मिल सकता है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है आने वाले टाइम में, और किस प्रकार से ये वर्जन 71 मार्को देखने मिलता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपको यह नया फीचर पसंद आया कि नहीं आया, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये सैमसंग गैलेक्सी A9 से, और यहाँ पर आप जानते हैं कि हाल ही में ये लॉन्च हुआ था, यानी वो 4 कैमरा वाला स्मार्टफोन। अब बोला जा रहा है कि इंडिया में आपको नवंबर में देखने मिल जाएगा, परंतु यहाँ एक लीक कहती है कि इसकी प्राइसिंग बैठेगी 39,000 की। जी हाँ, अब देखना होगा कि क्या यही प्राइसिंग रहती है या फिर और कोई प्राइसिंग हमारे को देखने को मिलती है। परंतु आप बताइए कि अगर ये 39,000 में लॉन्च होता है, तो क्या आप इसे परचेस करना चाहेंगे, क्योंकि फीचर ऐसे नहीं है, सिर्फ 4 कैमरा आपको मिल रहा है जो कि एक तगड़ी चीज है, परंतु उसके लिए क्या आप 39,000 पे करना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए।
बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये Asus Zenfone 6 के एक नए प्रोटोटाइप से, यहाँ पर आप देख चुके हैं एक पहले प्रोटोटाइप जिसके अंदर आपको टीयर ड्रॉप नॉच देखने मिल रही थी, परंतु अब यहाँ ऑफसेट नॉच देखने मिल रही है, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर बड़ी स्क्रीन देखने मिलेगी, बैक साइड में आप देखेंगे तो ग्लास पैनल के साथ साथ आपको यहाँ मेटेलिक फ्रेम मिल रही है, और यहाँ पर बैक में आपको ड्यूल कैमरा, LED फ्लैश और फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने मिल रहा है। नीचे की तरफ देखेंगे तो USB Type-C 3.5 mm जैक और स्पीकर भी देखने मिल रहा है। तो ओवरऑल तगड़ा लुक है। यहाँ पे देखना होगा क्या प्रोसेसर मिलता है, क्या रैम मिलती है, क्या इंटरनल स्टोरेज मिलती है, वेट करते हैं आने वाले टाइम में मालूम पड़ जाएगा। पता ही आप क्या सोचते हैं, क्या अगर ये इसके साथ लॉन्च होता है यानी ऑफसेट नॉच के साथ, तो क्या आप इसे परचेस करना चाहेंगे, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार रिलायंस जियो से, और यहाँ पर ट्राई ने दिया इनको एक बड़ा झटका। यहाँ पर ट्राई ने कहा है कि आपको अपने प्राइसेस को बढ़ाना पड़ेगा। जी हाँ, और ये बोला जा रहा है कि जो 5 सर्कल है जो आते हैं सी कैटेगरी में, जिसमें है ओडिशा, असम, हिमाचल प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, यहाँ पे इनको प्राइस हाइक करनी पड़ेगी। तो देखते हैं क्या करता है रिलायंस जियो और कितने कितने प्राइसेस यहाँ बढ़ाता है। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, क्योंकि आप जानते हैं जियो जाता है लोअर प्राइस के लिए, अब यहाँ प्राइस बढ़ जाएगी, तो क्या आप इसे यूज करना पसंद करेंगे, कमेंट करके जरूर से बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार सैमसंग की तरफ से, और यहाँ पर एक नया पेटेंट सामने आया, और ये पेटेंट बड़ा ही लाजवाब है। जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ आपको मिल रही है फुल व्यूजन डिस्प्ले, मतलब बिना नॉच वाली डिस्प्ले मिल रही है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ बीच में कैमरा मॉड्यूल देखने मिल रहा है, तो ये एक बड़ी यूनिक सी चीज है। अब देखते हैं ओवरऑल पेटेंट हमारे को रियल लाइफ में कब तक देखने को मिलता है और किस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इस नए पेटेंट के बारे में, क्या आपको भी ये पेटेंट पसंद आया, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये मारुति सुजुकी से रिलेटेड, यहाँ बोला जा रहा है कि मारुति सुजुकी की बलेनो फेसलिफ्ट हो सकती है 2019 के फर्स्ट हाफ में लॉन्च। जी हाँ, यहाँ पर आप जानते हैं कि बलेनो एक फेमस कार है इंडिया के अंदर और बहुत बिकी है और मेड इन इंडिया है, जो कि एक तगड़ी चीज थी इसकी। अब यहाँ देखते हैं फेसलिफ्ट में हमारे को क्या क्या देखने मिलता है और किस प्रकार से ओवरऑल इंप्रूवमेंट्स होते हैं इसके अंदर। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आपने भी हाल ही में बलेनो को परचेस किया है, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली डेली डोज की, तो यार ये महिंद्रा की तरफ से, और यहाँ पे महिंद्रा ने अपनी SUV Y400 जो कि एक कोड नेम था उसका फाइनली नेम रिवील कर दिया और ये रखा है Altroz G4। और यहाँ पर ये जो SUV है ये प्रीमियम SUV है और यहाँ पर आपको बहुत लाजवाब फीचर देखने मिलेंगे, और यहाँ पे इसकी जो प्री बुकिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। साथ ही साथ यहाँ पे ये लॉन्च हो जाएगी 24 नवंबर को, यानी इस 24 नवंबर को ये लॉन्च हो जाएगी, और वहां पे हमारे को मालूम पड़ जाएगा ओवरऑल क्या क्या फीचर मिल रहे हैं, कौन सा इंजन हमारे को यहाँ देखने को मिलेगा और कैसा इसका इंटीरियर है। यहाँ पे एक्सटीरियर तो आप देख ही सकते हैं, एक्सटीरियर बड़ा किलर लग रहा है और बहुत अच्छा क्रोम का यूटिलाइज लिया है। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या लेके आती है इस बार महिंद्रा और क्या इसकी प्राइसिंग होती है, क्योंकि प्रीमियम है तो हो सकता है ज्यादा ही देखने को मिले। तो आप बताइए क्या सोचते हैं, और क्या आप चाहेंगे महिंद्रा की इस गाड़ी को खरीदना, तो कमेंट कीजिए और बताइए। बात करें अगली और फाइनल डेली डोज की, तो ये आ रही है एक अल्ट्रा लाइट सुपर मटेरियल से जिसे बनाया गया है प्लास्टिक बोतल से। जी हाँ, यहाँ पर जो वेस्टेज प्लास्टिक बोतल होती है उससे ये मटेरियल बनाया गया है, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये लाइट वेट लाइनिंग के लिए काम आ सकता है, फायर फाइटर्स के लिए यहाँ पर इसके एरोजेल्स बना सकते हैं, और ऐसे ही बहुत सारी जगह इसको यूटिलाइज लिया जा सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारे को ये कहाँ कहाँ देखने मिलता है और कितना मदद करता है ये आने वाले टाइम में। तो आप बताइए क्या सोचते हैं इसके बारे में, क्या आपको भी लगता है कि यहाँ पे जो ये वेस्टेज है हम बोतल का, उसे अच्छी तरीके से यूटिलाइज लेना चाहिए और उसके लिए परिधान बनाने चाहिए यानी कपड़े बनाने चाहिए या फिर कहीं और यूटिलाइज लेना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर से बताइए क्या आपकी राय है, और साथ ही साथ बताइए कैसा लगा आज का आपको डेली डोज। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटे को दबाना नहीं भूलिएगा, प्लस लाइक बटन भी दबाना नहीं भूलिएगा। अगर आपको हमारे को कोई सजेशन देना है तो आप खुल के नीचे कमेंट में दे सकते हैं, या फिर आपको हमारे से कोई सजेशन चाहिए तो वो भी आप हमारे से पूछ सकते हैं। मैं था आपका दोस्त समन साड़ा, आज के लिए इतना ही, भारत माता की जय।